हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस, आज हम सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो देखो, दो लेक्चर के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। क्योंकि देखो, एक एक टॉपिक पढ़ने पर ही पूरा चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो गाइज, मैं हूँ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कनावर ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स की और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो देखो, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टल में पार्टिकल्स इस टाइप से पैक होते हैं कि वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करें, यानी कि ज्यादा जिससे ज्यादा स्थान घेरे, और जो खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस है, वो कम से कम रहे। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट दे ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस एंड देयर मिनिमम एम्प्टी स्पेस। कि ज्यादा से ज्यादा स्थान पर क्रिस्टल में पार्टिकल आ जाए और जो खाली स्थान है ना, वो कम से कम रहे। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्लोज पैकिंग हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। एक तो वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, एक टू डायमेंशन में, और एक थ्री डायमेंशन में, 3D में। तो देखो, वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग का मतलब ये है कि एक एक्सिस पर ही पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, जैसे मान लो अक्ष पर। और टू डायमेंशन का मतलब अक्ष और वाई पर तब पूरी लेयर बनेगी। और थ्री डायमेंशन का मतलब पूरा क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा 3D में। देखो, अक्ष, वाई और जेड। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशन में स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझना कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, इन क्लोज पैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो वो ध्यान रखना। अब देखो, पार्टिकल्स को अरेंज करो वन डायमेंशन, ओनली अक्स एक्सिस पर। देखो, ये आपका एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से आप बना सकते हो कि ये 1D में है, एक ही एक्सिस पर है क्लोज पैकिंग। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो देखो, अगर मैं इस पार्टिकल को मानूं तो यह पार्टिकल दो को टच कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है और एक इसको कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका है 1D में होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब देखो, 1D तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आप पार्टिकल्स बनाओ, एक पार्टिकल्स को देख लो तो वो दो को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 हो गया। अब देखो, हम बात करते हैं 2D में। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, तो देखो, टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। तो हम फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से आपको समझना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब यह है कि जो एक रो के पार्टिकल, जैसे मान लो ये एक रो है ना, ये टच है मान लेना आप, उसके ठीक ऊपर सेकंड रो के, फर्स्ट रो ये होगी, उसके ठीक ऊपर सेकंड रो के देखो, ठीक है, और सेकंड रो के ठीक ऊपर थर्ड रो के पार्टिकल, ठीक है।
तो इस क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं कि फर्स्ट रो के पार्टिकल के ठीक ऊपर सेकंड रो के पार्टिकल और सेकंड रो के पार्टिकल के ठीक ऊपर थर्ड रो के पार्टिकल एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। तो देखो अब एक पार्टिकल देख लो कोई अच्छा सा और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं हम। तो मान लो हमने ये पार्टिकल देखा है, तो यह पार्टिकल देखो चार पार्टिकल को टच कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है तो ये इसका सेंटर रहा, एक इस पार्टिकल कर रहा है तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। तो इन चार पार्टिकल को यह पार्टिकल टच कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया चार। अब देखो इस सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। देखो ये देख लो, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो सिंपली हम इसके लिए लिख सकते हैं, देखो इन दिस पैकिंग द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो आर प्लेस्ड जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो, कि सेकेंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के एकदम से ऊपर आएंगे एंड पार्टिकल्स ऑफ थर्ड रो प्लेस्ड जस्ट अबव the particles of second row and so on, कि second row के particle के ठीक ऊपर third row के particle आएंगे और ऐसे ही ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखो coordination number कितना हो गया, तो एक particle चार को touch कर रहा है तो coordination number हो गया इसका four। ठीक है, अब देखो इस रो को अगर मैं ए बोलूं तो ये भी सेम ही है, ये भी ए और ये भी ए है, तो आगे आने वाली सेम टू सेम आएगी। तो इस अरेंजमेंट को हम ए ए ए टाइप का अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए ए और आगे डेस कर दो, इसका मतलब ये आएंगे टाइप अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो फर्स्ट टाइप हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का सेकंड पार्ट आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट रो के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो जगह है ना, सेकंड रो के पार्टिकल उसमें आएंगे, मतलब डिप्रेशन में आएंगे, और सेकंड रो की जो डिप्रेशन है जगह उसमें थर्ड रो के पार्टिकल आएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मान लो ये आपके पास एक लेयर है, लेयर नहीं सॉरी रो। तो देखो इनके बीच में ये जो जगह है इस पर आएंगे सेकेंड रो के पार्टिकल, ये देखो ये लो, अब इनके बीच में जो ये जगह है बीच वाली इसमें थर्ड रो के पार्टिकल, इस टाइप से। देखो डायग्राम इतना मोस्ट नहीं है, कभी नहीं पूछा था, बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए और अरेंजमेंट कैसा होता है ये पता होना चाहिए। तो ये लो, अब देखो कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो अगर हम कोई एक पार्टिकल मान ले, मान लो मैंने ये पार्टिकल मान लिया, तो ये पार्टिकल कितने को टच कर रहा है, देखो एक तो इसको कर रहा है टच, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इस पार्टिकल को टच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस पार्टिकल को भी टच कर रहा है क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना,
ये देखो इस टाइप से, तो एक इस पार्टिकल को टच कर रहा है और एक इस पार्टिकल को टच कर रहा है, तो आप इनके सेंटर्स को मिला दीजिए। ठीक है, तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब यह होता है कि फर्स्ट रो की जो डिप्रेशन है, खाली जगह, खांच जिसे हम बोलते हैं, उसमें सेकंड रो के पार्टिकल आएंगे, और सेकंड रो की जो खाली जगह बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह होती है, उसमें थर्ड रो के पार्टिकल। खाली जगह मतलब देखो दो पार्टिकल अगर ऐसे अटैच है तो इनके बीच में खाली जगह है, तो एक रो के पार्टिकल इस टाइप से, तो इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो इन दिस पैकिंग, इन दिस पैकिंग द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो आर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो एंड पार्टिकल्स ऑफ थर्ड रो फिट इन डिप्रेशन ऑफ सेकेंड रो एंड सो ऑन। तो देखो कि फर्स्ट रो अगर हम मान लो इसको माने, तो इसके डिप्रेशन में देखो इसका डिप्रेशन ये है, ये खाली जगह, तो इसमें देखो ये पार्टिकल आ रहा है, यहां पर जो डिप्रेशन है देखो यहां पर ये पार्टिकल आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट रो के पार्टिकल है उनके बीच की खाली जगह में सेकंड रो के पार्टिकल आएंगे, और ऐसे सेकंड रो के पार्टिकल के बीच की खाली जगह में थर्ड रो के पार्टिकल आएंगे। ठीक है, और इस टाइप से ही सारे आएंगे। अब देखो अगर इसको मैं ए मानूं तो ये अलग लेयर, अलग रो हो गई ना, तो इसको मानूंगा बी। अब देखो ये जो है ये सेम होगी, देख लो सेम टू सेम है, तो ये ए और ये बी, तो इसका जो अरेंजमेंट है उसे हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि एक पार्टिकल 6 पार्टिकल को टच कर रहा है, तो स्टूडेंट्स अब हम 3-डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो देखो जो 3D में क्लोज पैकिंग है वो इनिट 2 से आएगी, जो हमने ये 2-डाइमेंशनल में दो टाइप पढ़े हैं ना इन्हीं से। तो 3-डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग एक तो हम करेंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से, जो हमने पहले पढ़ी थी, उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और दूसरा टाइप करेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से, यानी कि इन लेयर को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो हमारे पास 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लो और इन्हें लिख लो। तो स्टूडेंट्स अब हम 3-डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। देखो 3-डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। देखो तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब यह है कि जो 2-डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब देखो कैसे रखेंगे, ध्यान रखना, ये देखो 2-डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है, ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब फर्स्ट रो के पार्टिकल के ठीक नीचे सेकंड रो के, और सेकंड रो के पार्टिकल के ठीक नीचे थर्ड रो के। तो डायग्राम पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब देखो अब 3D में कैसे बनाए, ये तो आपका बोर्ड तो 2D में ही है, अक्ष और वाई, तो 3D में कैसे बनाए, तो देखो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो इसके पीछे लेयर लगी हुई है, मानना है आपको, ये मान लो इसके पीछे लगी हुई है इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है,
तो देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सीखना है बस, और इसका डायग्राम का मतलब यह है कि एक टू डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, उसके बाद उसके पीछे लगी हुई है, उसके पीछे लगी हुई है, तो थ्री डाइमेंशनल अरेंजमेंट बन गया। अब देखो आपको सीखना क्या है इसके अंदर, मान लो मैं इस पार्टिकल को देखूंगा, इस पार्टिकल को, तो यह पार्टिकल अपनी लेयर में कितने को टच कर रहा है, चार को, ठीक है। अब 3D है तो इसके आगे भी लेयर होगी, पीछे भी लेयर होगी, दोनों तरफ लेयर होगी, तो यह अपने अब देखो यहां पर जो हम लेयर रखेंगे ना, तो यह पार्टिकल सिर्फ अपने आगे आने वाले पार्टिकल को टच करेगा, तो जब अपनी लेयर में कर रहा है चार पार्टिकल को टच, अब इसके आगे रखेंगे लेयर तो यह उसी पार्टिकल को टच करेगा जो इसके आगे आएगा और किसी को टच नहीं करेगा, मतलब यहां पर जो पार्टिकल आएगा ना इस लेयर में उसी को टच करेगा, तो ये वन। ऐसे अगर हम पीछे इसके लेयर लगाए तो यह उसी को टच करेगा जो एकदम से इसके जस्ट पीछे आएगा, यानी कि यह आपका पार्टिकल है और ठीक है यह आपकी लेयर है और यह मैंने एक पीछे पार्टिकल रख दिया, यानी कि इस लेयर के पीछे आप लेयर रखोगे तो यह पार्टिकल केवल पीछे वाले एक ही पार्टिकल को टच करेगा जो इसके जस्ट पीछे आएगा और किसी को टच नहीं करेगा, यानी कि एक और, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके पास 6। बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखना है, और इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि थ्री डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग by two dimensional square closed packed layer। देखो इतनी बड़ी हेडिंग है इसकी, है ना, इसकी हेडिंग में ही सब कुछ है कि हम 3D में क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं किसके कारण, कैसे बनी है, जब हमने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को एक दूसरे के आगे पीछे लगाया है, ठीक है। तो वेन टू डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर आर प्लेस्ड अबव द फर्स्ट लेयर एंड देखो वेन सेकेंड करना कि सेकेंड टू डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर आर प्लेस्ड अबव द फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर एंड सो ऑन, देन दिस पैकिंग इज ऑब्टेंड, है ना, सिंपल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब देखो इसका मतलब समझा देता हूं, अब देखो हमने तो ऐसे लगाई है, तो आप ऐसे अगर नहीं लगाओगे तो ऐसे भी लगा सकते हो। देखो एक लेयर टू डाइमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, तो काम तो यही होना है, ठीक है। तो थ्योरी इस टाइप से लिखी है मैंने, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये चार स्पीयर को तो अपनी लेयर में टच कर रहा है, एक जो पीछे आएगा वो टच करेगा, एक जो आगे आएगा वो टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास हो गया 6। और अरेंजमेंट अगर मैं देखो आगे वाली को ए बोल रहा हूं तो जस्ट सेम पीछे वाली है, उसके पीछे वाली, यानी कि इस टाइप जो अरेंजमेंट है वो ए ए टाइप होगा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए ए टाइप अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स लिख लो, अब देखो हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब वो मोस्ट है क्योंकि उसमें दो तीन टाइप की वर्ड बनेगी, ठीक है, तो इसे आप लिख लेना,
ध्यान से आपको समझना है कि थ्री डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय टू डाइमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर पैक्ड लेयर। तो स्टूडेंट्स देखो, जब अब देखो इसमें जो लेयर आएगी ना वो आएगी हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर आएगी। अब देखो मैं ये पूरा नाम नहीं बोलूंगा, सिर्फ लेयर बोलूंगा, तो आप समझ जाना कि किस लेयर की बात हो रही है, हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर की बात हो रही है। तो जैसे ही हम एक लेयर पर दूसरी लेयर रखेंगे तो हमारे पास दो वॉइड बनेगी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो आपके पास HCP बनेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो आपके पास CCP बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि HCP CCP क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कैसे करते हैं, और एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, तो ये सब पढ़ेंगे तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट इसका टाइप कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो ये मान लो आपके पास, देखो हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर में क्या होता है कि फर्स्ट रो की जो डिप्रेशन होती है ना उसमें सेकंड रो के स्पीयर आते हैं, तो हम छोटी बनाएंगे। देखो ये मान लो फर्स्ट रो है और इसका डिप्रेशन देखो ये है, तो इसमें आएगा आपके पास सेकंड रो का स्पीयर, ये लो ठीक है। अब देखो जो बीच में आपको वैकेंट स्पेस दिख रहा है उसके तीन एंगल देख लो, चाहे एक दो और तीन, इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगुलर वॉइड, ट्राइएंगुलर वॉइड ठीक है। अब देखो एक लेयर पर हम दूसरी लेयर रखेंगे, हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर रखेंगे, तो अगर हम फर्स्ट लेयर पर दूसरी लेयर इस टाइप से रखें कि दूसरी लेयर का स्पीयर, ये मान लो ये आपकी दूसरी लेयर है, कि दूसरी लेयर का जो स्पीयर है वो फर्स्ट लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर आए, कि दूसरी लेयर का स्पीयर फर्स्ट लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड पर आए, तो हमारे पास जो वॉइड बनती है उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ये इनके नीचे जो वॉइड बनी है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड ठीक है। अब देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड शेप में कैसी होती है वो देख लो, तो एक तो आप ट्राइंगल बनाओ, तो ये ट्राइंगल मतलब फर्स्ट लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड बनी है ठीक है। अब देखो आपके पास इस टाइप से आपको बनाना है, ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब देखो ये कैसी है, मान लो ये आपका ट्राइंगल है, उसके बाद देखो ये जो आपको ऊपर कोना दिख रहा है ना इस टाइप से, एक फेस दो फेस तीन फेस, तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चार फेस होने चाहिए। एक तो देखो आपका ये पूरा फेस हो गया, उसके बाद दूसरा फेस, तीसरा फेस, और ये देखो चौथा फेस, यानी कि ये इस टाइप से है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब स्टूडेंट्स देखो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्पीयर से मिलके बनी, चार से, तीन तो फर्स्ट लेयर के और एक सेकंड लेयर का। तो अगर कहीं पर आ जाए कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वो आप कहोगे फोर ठीक है। दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड बनती कितनी है, तो नंबर होते हैं इसके, वैसे तो नोट्सों में मैं लिखवा दूंगा, 2n, n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने पार्टिकल्स होते हैं ना टेट्राहेड्रल वॉइड उनसे डबल बनती है। अगर आपके पास क्रिस्टल में 10 पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 20 बनेगी। आगे बात समझ में। अब देखो हम
क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो देखो ये ऊपर से तो कवर है, ध्यान देना कि ये आपका फर्स्ट लेयर और इसके ऊपर सेकंड लेयर का स्पेयर आ गया, तो ये ऊपर से तो कवर है लेकिन पीछे से कवर नहीं है, पीछे से खुली पड़ी है। देखो ठीक है, अब देखो आप पीछे अगर ऐसा का ऐसा पार्टिकल लगा दोगे तो ये पीछे से भी कवर हो जाएगी। तो आपके पास देखो टोटल तीन लेयर बन गई, ये पार्टिकल रखा हुआ है फर्स्ट लेयर और ये तीन पार्टिकल है सेकंड लेयर की। अब फर्स्ट लेयर के पार्टिकल का जैसे का जैसा आप पीछे लगा दोगे तो ये आपके पास तीन लेयर हो गई ना, तब ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो गई। तो अब देखो जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो आपके पास बनेगा HCP, ध्यान देना। अब सबसे मेन बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की और वो आपको ध्यान से यहां पर सीखनी है। तो देखो इस पैकिंग की, ये तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड के हैं, इस पैकिंग के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं। तो मैं एक स्पीयर, ये ऊपर वाला स्पीयर ले रहा हूं, ध्यान रखना। देखो इस स्पीयर की फर्स्ट लेयर, ये जो लेयर है वो सेकंड लेयर, और पीछे ऐसा का ऐसा स्पीयर आएगा वो थर्ड लेयर, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है। अगर मैं फर्स्ट को ए मानूं तो ये सेकंड अलग हो गई बी, तो फिर थर्ड आएगी वो ए, यानी कि इसमें ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, फर्स्ट थर्ड सेम, फर्स्ट थर्ड सेम, आ गई फर्स्ट थर्ड या फिर सेकंड फोर्थ बोल सकते हो, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनेगा। अब सबसे मेन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपको ध्यान से समझना है। अब देखो मैं इस स्पीयर को मान रहा हूं, ध्यान देना, यह स्पीयर ऊपर वाली लेयर का है और लेयर कौन सी है, हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर, और यह स्पीयर अपनी खुद की लेयर में 6 को टच करेगा। आपने पढ़ लिया है अभी जब मैंने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ाई थी, यह स्पीयर अपनी लेयर में 6 को टच करेगा, ये लो, पीछे वाली को कितने को टच कर रहा है, 3 को। अब आपको बताया कि अगर इसको मैं फर्स्ट मानूं ये सेकंड, तो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो इसके जैसी होगी, तो ये ऊपर वाली को भी कितने को टच करेगा, 3 को। तो आपके पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 12। तो स्टूडेंट्स अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो इसकी थ्योरी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे तो आपने पूरा समझ लिया है कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कैसे कहते हैं। व्हेन स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड एट ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर देन टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, कि फर्स्ट की जो आपको ट्राइंगुलर वॉइड दिख रही है 3 एंगल, उस पर सेकंड रो लेयर का स्पीयर आ जाए तो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, और कितने पार्टिकल से बनी है, 4 पार्टिकल से बनी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया, और इसका नंबर 2n होता है, यानी जितने पार्टिकल होती है उनसे डबल आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, और इसकी रेडियस होती है 0.225 r, यहाँ पर कैपिटल R है पार्टिकल की रेडियस। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिराइव करेंगे, ये रेडियस रेशियो है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो एक बार तो आप याद रख लेना इतनी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर में कवर टेट्राहेड्रल वॉइड इफ थर्ड लेयर इज सेम विद फर्स्ट लेयर, कि थर्ड लेयर के पार्टिकल कवर कर सकते हैं अगर फर्स्ट के जैसे, यानी कि ये पार्टिकल है वैसा का वैसा पीछे पार्टिकल आना चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप का अरेंजमेंट, यानी कि अगर ये ए है तो ये अलग और ये ए, यानी कि ए बी टाइप का अरेंजमेंट, और इस पैकिंग को बोलते हैं हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, और इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता चुका हूं, तो ये वो लिख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ दिस पैकिंग इज 12। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग करेंगे, तो ये आप लिख लीजिए, तो स्टूडेंट्स अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। तो देखो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती कैसे है। तो देखिए हम दो हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर बनाते हैं, तो मान लो आपके पास ये तो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है और ये इसकी ट्राइंगुलर वॉइड है, ठीक है, और ये मान लो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
अब देखो इस सेकंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर पर रखेंगे। अब देखो फर्स्ट लेयर पर इस टाइप से रखना है कि इस फर्स्ट लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड पर सेकंड लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड आए। तो देखो रखते हैं, तो ये मान लो आपकी फर्स्ट लेयर, ठीक है, और इस पर हम ये सेकंड लेयर रख रहे हैं। तो देखो तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपके पास बनेगा। अब देखो कि फर्स्ट लेयर की जो ट्राइंगुलर वॉइड पर सेकंड लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड आ गई, तो इसमें यहां पर जो बीच में ये वॉइड बनी है उसको ये मान लो ये इतनी जो वॉइड आपके पास बनी है बीच में खाली जगह दिख रही है, तो उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि जब फर्स्ट हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड पर सेकंड हेक्सागनल क्लोज पैक्ड लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड आ जाए तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। अब देखो ये कितने पार्टिकल से बनी, तीन तो फर्स्ट लेयर के और तीन सेकंड लेयर के, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? 6। आगे बात समझ में? अब देखो अब इस वॉइड को कवर कैसे करेंगे। देखो ये दो लेयर तो डिफरेंट है, फर्स्ट और सेकंड आपको पता चल गया। अब यह जो वॉइड है ये ऊपर से भी खुली है और पीछे से भी, यानी कि आगे से भी खुली है और पीछे से भी खुली है, तो इसको कवर कैसे करेंगे? अगर मैं थर्ड लेयर का स्पीयर यहां पर रख दूं तो आगे से कवर हो गई। देखो ये स्पीयर रखा है तो ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड, पीछे से ये खुली पड़ी है। अगर मैं जो आगे स्पीयर रखा है वैसा का वैसा पीछे स्पीयर रख दूं तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है वो दोनों ओर से आगे से और पीछे से कवर हो जाएगी। यानी कि आगे वाला स्पीयर उसके बाद, यानी कि ये एक लेयर उसके बाद ये दो लेयर, और सेम टू सेम पीछे वाला स्पीयर यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और पीछे वाली फोर्थ, यानी कि इसमें फर्स्ट और फोर्थ सेम होगी। अगर मैं फर्स्ट को ए बोलूंगा तो फोर्थ को भी ए बोलूंगा, और ये दोनों अलग है तो ये हो गई बी, ये सी। तो इसमें ए बी सी टाइप का पैटर्न बनेगा जिसे हम बोलते हैं सी सी पी, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर इस वॉइड का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का मैंने बता दिया 6, और इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर वो ही 12। तो आप ये ध्यान रखना, चाहे आपको एफ सी सी दे दे, चाहे एच सी पी दे दे, चाहे सी सी पी दे दे, तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो आगे, अब इनको कवर हमने कर लिया, अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। एक रेडियस बच गई, तो रेडियस और देख लो, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो होती है 0.414 आर। यहां पर आर है आपके पार्टिकल की रेडियस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनती है, तो नंबर इनके होते हैं एन, यानी कि जितने पार्टिकल होते हैं उतनी ही ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। टेट्राहेड्रल वॉइड डबल बन रही थी, टू एन बन रही थी, ठीक है, और ये आपकी एन बनती है, यानी कि जितने पार्टिकल होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितने पार्टिकल होती है उनसे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो स्टूडेंट्स अब इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो आप, हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, तो व्हेन ट्राइंगुलर वॉइड ऑफ सेकंड लेयर प्लेस्ड अबव द ट्राइंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। कि ये फर्स्ट लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड, ये सेकंड लेयर की ट्राइंगुलर वॉइड, इसको आप ऐसा का ऐसा रखोगे कि इसकी ट्राइंगुलर वॉइड ये इसके ऊपर आ जाए तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ओ वी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। और देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान समझना। अब ये बोर्ड मान लो आप, ठीक है, और जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है, रेड कलर वाला, तो देखो इस टाइप से मैंने ये, देखो ये फेस, यानी कि इस बोर्ड का ये फेस, इस बोर्ड का ये फेस, इस बोर्ड का ये फेस, और इस बोर्ड का वो फेस, तो चार फेस हो गए ना इस टाइप से, एक गुंबद सा बन गया। ऐसे ही जो ग्रीन कलर वाला है तो वो पीछे, यानी कि टोटल 8 फेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पास, ठीक है। तो ये डायग्राम है। अब देखो स्पीयर्स ऑफ फोर्थ लेयर में कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफ फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज सेम, यानी दो लेयर तो हो गई, थर्ड लेयर हमने इसके ऊपर रख दिया, अब ऐसा कैसा पीछे आना चाहिए, तो फर्स्ट और फोर्थ सेम हो गया क्योंकि दो बी और सी तो ये हो गए ना। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एबीसी एबीसी टाइप। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ सेम, तो एबीसी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट, इसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर
12 होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के कितने परसेंट पार्ट पर पार्टिकल है और कितना परसेंट पार्ट वैकेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि यूनिट सेल के कितने परसेंट पार्ट पर, यानी कि कितने परसेंट स्पेस या वॉल्यूम पर पार्टिकल है और कितना खाली है। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी ये हो गया ना कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितने परसेंट वॉल्यूम पर पार्टिकल है, तो इसे हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, HCP एंड CCP। अब देखो स्टूडेंट्स इन तीनों में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सेम ही होती है। तो हम मान लो FCC में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। अब देखो FCC में क्या होता है कि कॉर्नर पर पार्टिकल्स तो होते ही हैं और फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है। तो देखो मान लो हम ये फेस मान रहे हैं जो आपको दिख रही है, तो इसके इस कोने पर ये पार्टिकल है, इस कोने पर एक पार्टिकल है, क्योंकि कोनों पर तो सभी पर होते हैं, ये हमें चाहिए इसलिए हमने ये रख लिए। और ये जो फेस आपको दिख रही है इस फेस के बीचों बीच ये पार्टिकल है। ध्यान रखना ये दो पार्टिकल कॉर्नर वाले हैं और ये जो बीच में आपको पार्टिकल दिख रहा है वो फेस वाला है, फेस के सेंटर में है, आपको बस मानना है। और इस यूनिट सेल की जो एज है उनको मैं स्मॉल ए मान रहा हूँ और इन पार्टिकल की रेडियस को हम स्मॉल आर मान रहे हैं। तो देखो ये जो बीच में मैंने खींच रखा है ये फेस का डायगोनल है, फेस का डायगोनल। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल में देखते हैं, देखो अब एज लेट एज ऑफ यूनिट सेल इज स्मॉल ए एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल आर। तो इन ट्राइंगल ABC, अब देखो इस ट्राइंगल को देखते हैं ABC में, तो देखो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। देखो इसमें यूनिट सेल में तो सारे एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं, अब हम ये 3D में बना नहीं सकते इसलिए ये लग नहीं रहा 90 डिग्री का, लेकिन आप सोचना ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो और AB और AC ये यूनिट सेल की एज है जिसे हम स्मॉल ए लिख सकते हैं, तो AB की जगह A स्क्वायर और AC की जगह A स्क्वायर, तो आपके पास टोटल हो गया 2A स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास इधर रूट लगेगा, तो देखो 2 का रूट तो हो गया रूट 2 और A का रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास BC बराबर आ गया रूट 2। अब देखो BC पर बात करते हैं, तो BC आपके पास ये है, तो इस पार्टिकल की एक रेडियस और ये देखो एक रेडियस, ये एक रेडियस, इस पार्टिकल में दोनों रेडियस आ रही है, एक ये और एक ये, और इस पार्टिकल में ये रेडियस आ रही है, यानी कि टोटल BC में 4 रेडियस है। देखो 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि BC बराबर हम 4R कर सकते हैं। तो देखो 4R रूट 2, अब A हमें निकालना, तो ये रूट 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो देखो ऐसे ही लिखा है मैंने, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो R बराबर आपके पास आ गया 2√2R। R बराबर नहीं, सॉरी A बराबर है, ये ध्यान रखना, ये तो इसकी मल्टीप्लाई में A बराबर आपके पास आ गया 2√2R। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को हमने स्पीयर माना है और स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब यूनिट सेल हम कौन सी पढ़ रहे हैं, FCC, FCC में टोटल पार्टिकल कितने हैं 4, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है, तो हमें तो पूरे पार्टिकल्स का ही वॉल्यूम देखना है, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है, तो 4 पार्टिकल का 4, और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा ये तो क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम होता है आपकी भुजा क्यूब, यानी कि आपका एज क्यूब मान सकते हो, तो एज है ए, तो ए क्यूब होगा और ए की वैल्यू हमने निकाली है 2√2R। तो इसका क्यूब करोगे इनटू 100, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी 74%, अगर यूनिट सेल के 74% पर पार्टिकल है तो वेकेंट कितना, तो 100 में से माइनस कर दो तो ये आपके पास 26% आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा कैसा इसे नोट कर लो आप। तो स्टूडेंट्स अब हम BCC में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं। तो देखो BCC का मतलब है ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पर हो और यूनिट सेल के बीचों बीच हो, यानी कि टोटल पार्टिकल दो होते हैं, आप पढ़ चुके हो। अब देखो इस पर बात करते हैं, देखो
ये आपकी यूनिट सेल है BCC। अब कॉर्नर पर पार्टिकल, तो इस कॉर्नर पर तो ये पार्टिकल है और ये जो कॉर्नर दिख रहा है इस पर ये पार्टिकल है, और ये जो बीच वाला आपको पार्टिकल दिख रहा है ये यूनिट सेल के बीचों बीच है। तो देखो अगर मैं इसको मिलाऊंगा इससे, तो ये देखो एक आर इस पार्टिकल के बीच में जाएगा, तो ये आर रेड, आर का मतलब रेडियस, और ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि हम सीडी के इक्वल 4R कर सकते हैं। देखो साफ दिख रहा है इस पार्टिकल की रेडियस, इस पार्टिकल की दो रेडियस है ना, डायमीटर हो गया ना ये, दो रेडियस और ये रेडियस, तो यानी कि सीडी इक्वल 4 रेडियस। अब देखो सबसे पहले और यूनिट सेल की एज को मैं स्मॉल ए से बता रहा हूँ और रेडियस को स्मॉल आर से बता रहा हूँ, पार्टिकल की रेडियस को स्मॉल आर से बता रहा हूँ। तो इसमें देखो हम ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी सी की, तो यूनिट सेल का एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये बन जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कि बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी और ए सी है क्यूब की एज, आपकी यूनिट सेल की एज, तो ए बी और ए सी की जगह मैं ए स्क्वायर कर सकता हूं, तो बीसी स्क्वायर बराबर आपके पास 2A² हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, ध्यान रखना सी डी बी या फिर बी सी डी की मान लो। अब देखो इस एंगल पर विचार करते ही है, एंगल कितने डिग्री का होगा, देखो ये आपका क्यूब है और ये नीचे वाला फेस है, ये जो फेस दिख रहा है ये नीचे वाला फेस है, और ये जो आपके पास डायगोनल है ये फेस का है, यानी कि ये जो एंगल आपका ऐसे है, देखो इस फेस और ये एंगल, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि सीडी हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें यह इक्वेशन बनेगी ना कि सीडी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी आपके पास, देखो बी डी आपके पास यूनिट सेल की एज है और बी सी आपके पास हमने निकाल लिए, देखो ये डायगोनल है बी सी भी, तो ए स्क्वायर प्लस 2A², क्योंकि बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2A² है, तो ये टोटल हो गए 3A² और सी डी बराबर √3A। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और ए का स्क्वायर हट जाएगा 3A। अब सी डी देखो 4R, तो 4R इक्वल टू √3 है, तो A ये √3 आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स यानी कि स्पीयर, और स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और BCC में टोटल दो पार्टिकल होंगे तो दो का वॉल्यूम होगा, तो 2×4/3 πr³ अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है एज क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, और ए की वैल्यू हमने यहां पर ये निकाली, तो इसका क्यूब कर दो × 100, तो आपको सोल्व नहीं करना, याद रखना 68% आएगा, तो वैकेंट स्पेस 100 में से 68 माइनस करोगे तो 32% वैकेंट स्पेस आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स अब हम सिंपल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखो हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें दो पार्टिकल, एक तो ये जो पार्टिकल दिख रहा है इस कॉर्नर पर है और ये जो पार्टिकल दिख रहा है वो इस कॉर्नर पर है, तो ध्यान रखना कॉर्नर पर जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के टच होते हैं। तो देखो इसको मैं अगर एक रेडियस मानूं इतने को, तो ये आपकी दूसरे पार्टिकल की रेडियस हो गई, यानी कि एज लेंथ, आपको ये जो एज लेंथ दिख रही है ए, वो डायरेक्ट आपके पास दो रेडियस बन गई, यानी कि ए इज इक्वल टू 2R। तो पैकिंग एफिशिएंसी पार्टिकल का वॉल्यूम, तो सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है कॉर्नर पर होते हैं वो सारे, और उनको मिलाकर के एक होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो पार्टिकल का वॉल्यूम यानी कि 4/3 πr³ इंटू ए वन पार्टिकल, तो ये लो 1 अपॉन यूनिट सेल की एज का क्यूब, तो ए क्यूब, ए की वैल्यू हमने निकाली है 2R, तो 2R³ इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 52.4%, तो 52.4% पर पार्टिकल होते हैं, और वेकेंट स्पेस आपके पास बन जाएगा, देखो वेकेंट स्पेस, तो वेकेंट स्पेस 100 में से आप 52.4 माइनस कर दो, तो आपके पास 47.6% वेकेंट स्पेस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सॉलिड है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो लगातार वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।